हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में जिसमें बात करेंगे इंडियन नेवी की तरफ से बहुत बड़ी भर्ती निकल के आ चुकी है नॉवल डॉकयार्ड अप्रेंटिस के लिए। राइट, तो ये 2023 की सबसे बड़ी भर्ती होने वाली है जो कि नॉवल डॉकयार्ड की तरफ से निकाली गई है इंडियन नेवी की तरफ से। और इसमें सबसे अच्छा बात पता है क्या है कि अगर आपने ITI नहीं किया है ना, फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि 8वीं पास के लिए भी है, 10वीं के लिए भी है और ITI पास के लिए, मतलब तीनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये और भी ज़्यादा बेहतर हो जाती है भर्ती, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होते हैं जो ITI नहीं किए होते हैं, जो कि सिर्फ 8वीं पास होते हैं। तो उनके लिए एक अच्छा मौका है, अपॉर्चुनिटी है इंडियन नेवी में नॉवल डॉकयार्ड में क्या करने का, अप्रेंटिस करने का एक अच्छा मौका है। और इसको करने के बाद आपको इंडियन नेवी में या फिर जो भी इंडियन एयरफोर्स है, इंडियन नेवी है, आर्मी है, कई सारे पोस्ट ऐसे निकाले जाते हैं, भर्ती निकाले जाते हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा वहाँ पे क्या मिलता है, जो रिलैक्सेशन मिलता है, छूट मिलता है। तो उसमें आपको अच्छा खासा वहाँ पे सिलेक्शन लेने का एक बड़ा मौका मिल जाता है। तो यहाँ पे टोटल पोस्ट की भी बात कर ले तो 281 पदों पे भर्ती निकाला गया है, जो कि अच्छा खासा निकाला गया है। और यहाँ पे बात करेंगे उम्र क्या होने वाला है, सबसे अच्छा सिलेबस क्या है, सैलरी क्या है, और सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो चयन प्रक्रिया, मतलब कि आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है वो किस बेसिस पे किया जाएगा आपका सिलेक्शन प्रोसेस। राइट, तो वो भी कंप्लीट मतलब कि इस नोटिफिकेशन को डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा। एंड अभी तक आपने लाइक नहीं किया लाइक कर लीजिए, एंड चैनल फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे एजुकेशनल और इम्पोर्टेंट अपडेट, लेटेस्ट अपडेट गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड आप तक पहुंचते रहे सबसे पहले। एंड टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे भी ऐड हो जाएगा, जो भी छोटा बड़ा अपडेट होता है सबसे पहले वहां पे इन्फॉर्म कर दिया जाता है। तो चलिए लेके चलते हैं नोटिफिकेशन पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डॉकयार्ड अप्रेंटिस स्कूल नॉल डॉकयार्ड मुंबई, और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, और ये जो आपका वैकेंसी निकाला गया ये देख सकते हैं सारा कुछ इन्क्लोजर। और यहाँ पे अगर हम बात कर ले, ये अप्रेंटिस के लिए निकाला गया है टेड, और यहाँ पे आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये मेल और फीमेल दोनों के लिए होने वाला है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वालिफाई फ्रेशर सब के लिए, तो कि मेल और फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं, ऑल इंडिया पे ये भर्ती है। 281 वैकेंसी यहां पे निकाला गया है, जो कि सबसे अच्छा बात है। तो चलिए लेके चलते हैं एंड डिस्कस कर लेते हैं सारा कुछ जो भी आगे इसका प्रोसीजर है। तो चलिए, जो स्टार्ट होने वाला है, जो आपको फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा कितने तारीख से, और सबसे अच्छा बात पता है क्या है कि ऑनलाइन भरा जा रहा है। तो किसी को ये टेंशन नहीं है कि आएगा नहीं आएगा, आएगा भाई साहब। 4 जून से आपका फॉर्म स्टार्ट हो रहा है, तो आपको 4 जून से फॉर्म फिलअप कर देना है, बिल्कुल भी टाइम नहीं वेट करना है कि लास्ट डेट का वेट करें। 25 जुलाई लास्ट डेट होने वाला है, 4 जून से लेकर 25 जुलाई तक। तो अच्छा खासा आपको टाइम भी मिल रहा है, तो आप फॉर्म ज़रूर फिलअप कर लीजिएगा। ऑनलाइन अप्लाई होने वाला है, ओके। एप्लीकेशन फ़ी जो लगने वाला है, 1 रुपया भी आपको नहीं लगने वाला है। राइट, चाहे आप कोई भी कैटेगरी से हो, मेल हो फीमेल हो, डज नॉट मैटर, यहाँ पे आपको 1 रुपया भी पेमेंट नहीं करना है। ये एक और भी अच्छी बात है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मिनिमम एज रखा गया है वो देख सकते हैं यहाँ पे, वो 14 साल, मतलब कि आपने 14 साल, आप 14 साल की उम्र है, 8वीं किया है, तो आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। 21 साल मैक्सिमम एज रखा गया है, राइट, 8 से 21 साल। और जो यहाँ पे आप देख सकते हैं बॉर्न बिटवीन, यहाँ पे आपका जो होगा 21 नवंबर 2002 से लेके 21 नवंबर 2009 के बीच में आपका जन्म तिथि है, या फिर इस डेट को भी मतलब कि आपका जन्म हुआ है, तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और देख सकते हैं यहाँ पे टोटल जो वैकेंसी निकाली गई है, 281 पदों पर भर्ती निकाली गई है। 1 ईयर का ट्रेनिंग है यहाँ पर, आपको 1 साल का ट्रेनिंग कराया जाएगा, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 ईयर ट्रेनिंग के लिए। फीटर के आपने किया है तो फीटर के लिए 42 पदों पे है। मैसन है तो आपके लिए 8 पदों पे भर्ती निकाला गया। INCTSM तो यहाँ पे 3 है। इलेक्ट्रीशियन के लिए 38 पदों पे है। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए 24 पद है। यहाँ पे आपको सारा डिस्कस करते चल रहे हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए 24 है, इलेक्ट्रो प्लाटर के लिए 1 है, फाउंड्री मैन के लिए 1, मैकेनिक डीजल 32, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के लिए 7, MMTM के लिए यहाँ पे 12 पदों पे भर्ती निकाला गया है। यहाँ पे मैकेनिस्ट के लिए 12, पेंटर जी के लिए यहाँ पे 9, और पेंटर मेकर के लिए 2, मैकेनिक रेफ्रिजरेटर एंड AC के लिए 7, सीट मेटल वर्कर के लिए 3, और यहाँ पे आप देख सकते हैं पाइप फिटर के लिए 12, स्विफ्ट राइट के लिए 17, टेलर जी के लिए यहाँ पे 3, और वेल्डर यहाँ पे देख सकते हैं 19। टोटल यहाँ पे आपको 252 मिल रहा है। अब बहुत सारे बच्चे सोचेंगे भाई साहब आपने बोला 281, ये 252 कहाँ से आ गए, अभी बताते हैं, जस्ट वेट। वो तो 1 ईयर का ट्रेनिंग का था, और 2 ईयर ट्रेनिंग जो यहाँ पर दे रखा है ना, यहाँ पर देख सकते हैं 16 पद, रिगर के लिए 12, और फॉर्जर एंड हीट ट्रेटर के लिए
यहाँ पे एक पद, टोटल 29, तो टोटल मिला के हो ही गए लगभग 281 हो गए, तो आप काउंट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे हम देख लेते हैं जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना, ऑलरेडी मैंने बता भी रखा है 8वीं 10वीं और ITI, तो ये आप फॉर्म आराम से एलिजिबल हो जाएंगे। 10वीं पास आपका मिनिमम 50% मार्क स्टैंडर्ड 10 एग्जाम एलॉन्ग विथ ITI पास होना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं टेस्ट सर्टिफिकेट आपका होना इन रेलेवेंट 10 विथ एग्रीगेट परसेंटेज 65% मार्क्स आपका होना चाहिए। ये किसके लिए है भाई साहब? ये आपका और NCBT से मान्यता प्राप्त होना चाहिए, राइट, ये आपका दे रखा है। चलिए और चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो तो दे रखा था वहाँ पे, और यहाँ पे देखिए क्वालिफिकेशन फॉर कैंडिडेट हु आर टू बी इनरोल फॉर रीगर एज ए फ्रेशर। रीगर में अगर आपने 8वीं पास किया है तो आप रीगर से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं एज ए फ्रेशर, राइट, बिना ITI के। ये इम्पॉर्टेंट है, तो 8वीं वाले लोग भी यहाँ पर फॉर्म भरेंगे, ओके, चाहे वो मेल हो फीमेल हो कोई भी बात नहीं है, आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, एक साल की ट्रेनिंग कीजिए, यहाँ पे आप आराम से फॉर्म को फिलअप कीजिए, राइट। चलिए यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे रीगर के लिए 2 साल का ट्रेनिंग होगा। एक चीज़ और बता दूँ मैं, यहाँ पे सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन जो होने वाला है मुंबई होने वाला है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। हाँ, उसके बाद फिलिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, फॉर्म भरने के लिए जो भी आपको इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो मैं बताता हूँ। पासपोर्ट साइज फ़ोटो इतने साइज़ का होना चाहिए, लाइट ग्रे बैकग्राउंड होना चाहिए, साथ में आपका 10th सर्टिफिकेट होना चाहिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं, प्रूफ ऑफ डेट बर्थ सर्टिफिकेट या फिर आधार कार्ड यूज़ कर सकते, आधार कार्ड तो इम्पोर्टेंट है। अगर आप 8वीं पास वाला रीगर वाला भरते हैं तो 8वीं का मार्कशीट आपका होना चाहिए, हाँ ओके, और 10th के साथ ITI लगाइए। अगर सिर्फ 8 रीगर का भरना है चाहते हैं फ्रेशर तो सिर्फ 8वीं का होगा, ओके। कास्ट सर्टिफिकेट आपका इंपॉर्टेंट है तो वो ज़रूरी है, सर्टिफिकेट ऑफ फिजिकल डिसेबिलिटी, अगर आप कोई भी फिजिकल हैंडीकैप है तो वहाँ पे ये सर्टिफिकेट आपको ये लगाना होगा, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आधार कार्ड कंपलसरी है, आधार कार्ड सभी को देना है, आधार पैन पासपोर्ट और एनी अदर आइडेंटिटी प्रूफ आपको लगाना होगा। सर्टिफिकेट ऑप्शन अगर आप किसी भी आर्म फोर्सेस जैसे कि आपके फादर या फिर कोई भी मदर वगैरह है वहाँ पे, तो आपको वहाँ पे लगाना होगा डॉटर ऑफ आर्म सन या फिर डॉटर ऑफ आर्म फोर्सेस पर्सनल एक्स सर्विसमैन इफ़ एप्लीकेबल, तो वहाँ पे आपको लगाना होगा। चलिए फॉर्म आपका होता है स्टार्ट 4 जून से, राइट, तो 4 जून से फॉर्म स्टार्ट जिस दिन हो रहा है उस दिन मैं आपको लिंक प्रोवाइड कहाँ कराऊंगा, कैसे फॉर्म बना है वो सारा कुछ डिस्कस कर लेंगे। सो टेलीग्राम पे ऐड हो जाइए 4 जून को, वहीं पे आपको क्या मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा फॉर्म भरने का, फॉर्म कैसे भरना है वो भी फॉर्म भर के हम खुद बताएंगे आपको, ताकि आपको कोई भी गलती ना करे, ओके। चलिए भाई साहब तो फटाफट कर दीजिए लाइक एंड शेयर, एंड सब्सक्राइब नहीं कर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम से जरूर ऐड हो जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहीं पे फॉर्म कैसे भरना है आपको बताया जाएगा 4 जून को, क्योंकि फॉर्म स्टार्ट हो रहा है 4 जून से, ओके। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक ले बाय, जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।